फर्स्टली आज जानना चाहेंगे मैम कि एड शूट के लिए यहाँ पर आई हैं और ये लुक तो एकदम अलग है, तो कुछ बताना चाहेंगी? अनुपमा की वजह से बहुत बहुत अनुपमा का आभार कि सच गुड वर्क इज कमिंग माई वे. सो अलग लुक ये है कि हर जगह तो सेम नहीं देख सकते ना, और फिर अनुपमा अनुपमा ही रहेगा या मोनिशा मोनिशा ही रहेगी तो फिर कैसे चलेगा, कहीं तो रूपाली होनी चाहिए. तो लेकिन ये रूपाली सबको बहुत ज़्यादा पसंद है. कॉन्ग्रेचुलेशन शो के लिए भी करना चाहूँगी. शो इज बी लव कह सकते हैं. कमबैक जो हुआ आपका तो वो एकदम धमाकेदार हुआ. तो हाउ मच आर यू बीन अप्रिशिएटेड बाय योर फैंस, बीन लव बाय योर फैंस? मैं हमेशा कहती हूँ कि जितने भी लोगों ने मुझे प्यार दिया है, फैंस नहीं कहूँगी बिकॉज़ वो लोग मेरा सपोर्ट सिस्टम है. तो इट्स नॉट जस्ट दैट दे आर फैंस, दे हैव गॉन आउट ऑफ देयर वे टू शो देयर लव, देयर सपोर्ट टू मी ऑलवेज. और मैंने सोचा नहीं था कि जब मैं 7 साल बाद कमबैक कर रही हूँ, मतलब यू नो यू आर इन द शेप मदर के रोल में एंड आप हैं भी, यू हैव एज्ड एंड एवरीथिंग. सो मैं सोचा नहीं था कि इतना प्यार मिलेगा. वो तो राजन शाही, उनके राइटर्स, स्टार प्लस, इन सब की बदौलत के अनुपमा इतना पसंद किया जा रहा है. एंड शुक्र के मेरी मेहनत, मेरा काम अप्रिशिएट किया जा रहा है. सो सारे फैंस को शत शत नमन, थैंक यू. इसी तरह से प्यार बरसाते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा. वेल यू नो सिंस अब आपकी वापसी हुई है एंड अनुपमा इज बीन लव्ड बाय सो बाय एवरीवन, कोई और प्रोजेक्ट करने का कितना समय कहाँ है? ये मतलब ये ऐसे मैं रात को आके शूट कर दूँ अनुपमा शूट करने के बाद, समय कहाँ है? फिलहाल तो अनुपमा से ही मन, और मैं राजन से हमेशा कहती हूँ कि तुमने मेरी हीरोइन बनने की सारी मुरादें पूरी कर दी. मैं डांस भी कर रही हूँ, रोमांस भी कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, सब कर रही हूँ. उसमें इमोशंस है, ड्रामा है, एक्शन है, सब कुछ कर रही हूँ. तो अंटिल अनलेस आई गेट समथिंग व्हिच इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग लाइक दिस कमर्शियल शूट्स दैट हैपन, दे काइंड ऑफ ट्राई एंड इन्वेंट मी इन अ न्यू, एक अलग कुछ किरदार करने को मिलता है, नहीं तो मैं अपने कंफर्ट जोन में बहुत खुश हूँ. और फिर टाइम भी नहीं मिल पाता दूसरी बात. तो जो भी समय बचता है मैं अपने बच्चे के साथ और अपने हस्बैंड के साथ बिताना चाहती हूँ, पेरेंट्स के साथ घर में बिताना चाहती हूँ. दिवाली किस तरीके से बिताई है आपने? दिवाली की एक छुट्टी मिली 4 तारीख को, बट वो पूरा दिन घर में रही एंड ऑफकोर्स आई स्पेंड विथ माई फैमिली एज यूजल, और बाकी दिन शूट करती रही. तो खुशी इस बात की है, कंप्लेन तो ज़रा भी नहीं है, खुशी इस बात की है कि हम सब ने दिवाली पे भी काम किया. एंड ये भगवान की बड़ी कृपा है कि दिवाली में भी हमारे पास काम है, हम लोग मेहनत करते रहे और सही मायने में इतने घरों में दिए जले. कि एक प्रोडक्शन हाउस जब चलता है तो बहुत सारे घर उससे जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारे यूनिट के लोगों के घर उससे चलते हैं. सो ये बहुत बड़ी कृपा है महाकाल की, माता रानी की, कि हमें दिवाली के दिन काम करने का शुभ अवसर मिला. सो लास्टली बताना चाहेंगे कि मतलब आज का ये जो लुक होने वाला है ये कितना अलग होने वाला है, क्या होने वाला है? देखिए साड़ी है, साड़ी में कितना आप अलग हो सकते हैं, लेकिन साड़ी में, साड़ी के दायरे में रहकर एक अलग दिखने का प्रयास है. आई होप लोगों को पसंद आए. ओके, एनी अपकमिंग ट्विस्ट ऑन द शो? ऑन अनुपमा आस्क राजन शाही, डजंट टेल अस एनीथिंग. थैंक यू सो मच.